लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। There's no bell. Oh, damn it. It's not like England here. अरे छोटे साहब आप ये काने कोनो चिट्ठी ना पत्री ऊपर उन्हीं के कमरे में ठीक है गाड़ी से सामान निकाल ले निकाल लो वो पीछे डिक्की में है डिक्की में गाड़ी में नहीं ना स्टुपिड गाड़ी के पीछे डिक्की में हम समझ गए आप चलो हम ढूंढ ले डैम इट मां अरे सुधीर आई गवारे तू मां मां तुम भी हद करती हो कब से बीमार पड़ी और अब जाकर खबर दी कब का ये हफ्ता भी तो ना भवा बुखार लगे तब तलक ओ मां तुम भी बिल्कुल झुल्लू चाचा हो रही हो कम से कम मुझसे तो हिंदी में बोला करो क्या करूं बेटा नौकर चाकरों से बोलते बोलते आदत सी पड़ गई है अच्छा एक काम करो मां अपना सारा सामान बांधो और चलो मेरे साथ शहर और वहां चलकर मेरे साथ ही रहना ना रे हम ना जा सके मैं नहीं जा सकती पुरखों का घर छोड़कर मैं खूब समझता हूं मां कि तुम बहुत दिनों से बीमार हो मुझे सिर्फ इसलिए खबर नहीं दी कि मैं कहीं तुम्हें शहर ना ले चलूं इतना समझदार कब से हो गया रे तू मैं गाड़िया में रहा साहब ढूंढ लिया वा अरे झुल्लू चाचा हां साहब मां कब से बीमार है पिछले मंगल तक चढ़ा रहा साहब 7 दिन होएगा इलाज किसका चल रहा है फजलू हकीम ने साहब उन्हें ही इलाज चलत रहा
आप लोगों के हाथ उनके नजर कमजोर हो गए, नड़ियो नहीं देख सकते, ये खातिर लेखराज वैद्य का इलाज चल रहा है। अरे तुम लोग तो मार डालोगे माँ को। माँ तुम फौरन मेरे साथ चलो। शहर बहर मैं नहीं जाती बेटा, यही ठीक हो जाऊंगी। छोटे साहब, बादल गांव में एक डॉक्टर आवा है शहर से, ओकर बड़ी तारीफ सुना है। तो उसे क्यों नहीं बुलाया? झुरलू ने कहा तो था, लेकिन मैंने ही मना कर दिया। क्या पता वो आएगा कि नहीं। आएगा क्यों नहीं? ऐसा ही सुना था कि बड़ी भीड़ लगी रहती है उसके दवाखाने में, और वो कहीं आता जाता भी नहीं। चलो, नाम क्या उसका? वृंदावन है शायद। अरे भैया, हम हूँ ठन गए ममदू के खेत में जाएंगे। अच्छा? हाँ, ओकर मेड़ का तोड़ फोड़ के पानी खोल दिया। बहुत ठीक, बस ये लाठी और कुल्हाड़ी चली भैया के खून खून हो गवा। ये देखो माथे पर 4 इंची का घाव लगा है। कैसे डाओ? सुई लगाई हो का? बस यही तो हर बात भली नहीं लगत है डॉक्टर। 4 इंच का घाव खा सकते हो कुल्हाड़ी का? इतनी सी सुई से डर लगता है? कुल्हाड़ी और लाठी की बात तो जानत है डॉक्टर, पर ये छोटी सी सुई ससरी ना जाने। क्यों, तकलीफ हुई क्या? नहीं, हम तो मजाक करते रहे डॉक्टर। मैं तो ये संसार छोड़कर चली जाऊं तो ही अच्छा है, काशी जाकर बैठूं तो भला है। अब क्या हुआ माँ? कहा था ना, आकर पूजा का प्रसाद ले जाओ, आखिर मुझे ही भेजा ना बड़ी माँ ने। देखो कितने सारे काम पड़े घर में, कौन करेगा सब बताओ? मेरे भी तो इतने काम पड़े हैं माँ, वो कौन करेगा? तू करेगी? ओ माँ, चलो बिल्ली पकड़ेंगे। ठहर बाबा, आती हूँ। एक तो ये लड़का है ना मेरा, इसने मुझे बहुत तंग कर रखा है। लो प्रसाद लो। ये तुम्हारी माँ लगती? चुप, ये तो बाबा की भी माँ लगती है। आप ही डॉक्टर बिंदावन है? जी। देखिए मैं सदीपुर से आया हूँ, यहाँ आसपास कोई टेलीफोन भी नहीं है। इट्स नॉट लाइक इंग्लैंड हियर यू नो। कहिए क्या काम है? मेरी माँ बहुत सख्त बीमार है, मैं चाहता हूँ कि आप इसी वक्त मेरे साथ चलकर उन्हें देखें। चलिए। जी, मैंने कहा चलिए। मतलब आप तो मान भी गए। क्या मतलब? मतलब ये कि आप चल रहे हैं ना? जी हाँ, अगर आप कहें तो। जी हाँ, मैं तो कह रहा हूँ, लेकिन वो लोग कह रहे थे कि आप, मैं आपको वापस भी छोड़ जाऊंगा, मेरे पास गाड़ी भी है। बस 5 मिनट, दो चार मरीजों ने देख लिया। जी, क्या कर रहे हैं आप? हम भी चलेंगे। हम काम से जा रहे हैं। हम भी काम पर जाएंगे। ये आपका बेटा है? जी हाँ, बातों से नहीं लगता। चलो ये लो। पतंग ले लो। चरण इधर हम काला इन्हें हम हूँ टिकटिकी बजाओ हमका दो। अरे डॉक्टर बिंदावन के बिटवा हो का? हाँ। का नाम है तुहार? चरण। ना पूछ कर कहा करी हो टिकटिकी दो ना। अरे कैसी खूबसूरत देहाती बोलत हो? हाँ, लो इलो इलो, ऐसे इसको ऐसे पकड़ के ऐसे ऐसे हमको पैसे देते हो? अरे हम तुहार मामा है, हम पैसे नहीं ले। तो फिर एक और दो ना। अरे भागो नहीं तो तुहार बाबा को बोल दी भाग यहाँ से, एक और दो। मंदी कंगी शीशा चूड़ी, अरे छोटा बड़ा बुढ़ा बूढ़ी। क्या हो डॉक्टर? घबराने की ऐसी कोई बात नहीं, मैं कुछ गोलियां अभी दे देता हूँ, बाकी दवा आप वहां दे दूंगा। यस बट व्हाट इज द डिजीज डॉक्टर? वो आई डू लेटर। बहुत देर कर देना आज, मनु आई रही घर पे, तनिक बातचीत में देर हो ही गई। का कहत रही थी मनु? ओके तो खूब चाव चढ़ा है ब्याह का, दिन रात बस सिलाई कढ़ाई में लगी रहते हैं। ये लीजिए दो गोलियां, एक अभी दे दीजिए, एक शाम को दे दीजिएगा। जी मैं जरा हाथ धो सकता हूँ? कुसुम तनिक हाथ धुलाए दे डॉक्टर बाबू के। जी हाँ, यही बरामदे में धो लीजिए ना। जी एक्चुअली माँ को हुआ क्या है डॉक्टर वृंदावन? कुसुम कोई बात नहीं, जाओ जल्दी से तौलिया ले। घर में कितने लोग हैं? होंगे कोई 8-10, नौकर चाकर ही ज्यादातर। माँ जी का आमतौर पर कौन ध्यान रखता है? यही लड़की कुसुम, यही पड़ोस में रहती है, वही ख्याल रखती है उनका।
देखिए घर में सबको टीके लगवा दीजिए। क्यों कोई छूत की बीमारी है? यकीनी तौर पे तो नहीं कह सकता, लेकिन मुझे शक है कि प्लेग फैलने के आसार हैं। मेरी डिस्पेंसरी में भी 2-3 केसेस आ चुके हैं। डॉक्टर साहब, मैंने कितनी बार वहां तक कहा चलो शहर चलते हैं, वहीं इलाज करवाएंगे। कितने अच्छे अच्छे डॉक्टर्स होते हैं वहाँ। क्यों, क्या हमारे इलाज में कोई शक है क्या? I mean, it's not like England here, you know. What's like England? अरे हाँ, क्या नाम है तुम्हारा? कुसुम है ना? तुम ही टीका लगवा लो। ये निशान कैसा? अपना नाम मिटाया था क्या? के हाथ में थमाए दो अपनी कुसुम को। ई उज्जड़ गवार से अब वृंदावन की शादी नहीं हो सकत। नहीं नहीं, ऐसा न कहीं, हमारे बेटे का जीवन बर्बाद हो जाए। ई रिश्ता तो वही दिन टूट गवा जौन दिन कुसुम के बाप के खून का इल्जाम लगाए दिया हम पर। हाँ, बोल देते हैं गर्दन कटाई दे जो फिर ई घर की तरफ देखा मुड़के। अरे लेका पागल हो गई, लेका काहे हाथ जरा बताई। बेटी जो तोरे भाग्य से मिट गए ते हाथ जरावने से का फायदा? सबुर कर बिटिया, सबुर कर। कुसुम, अरे तू ये क्या कर रही है? ये क्या, तू रो रही है? और ये सब क्या लेकर बैठी है? ये तेरी शादी का दुपट्टा है ना बचपन का? हाँ सुन, वृंदावन से मिली थी क्या? हाँ। कहाँ, क्या बादल गांव गई थी? नहीं, चौधरन के यहाँ आए थे। मुझे तो मालूम ही नहीं था, सुधीर बाबू ने उन्हें नाम से बुलाया था तो पता चला। कोई बात हुई? तुझे पहचाना? तो तू ये निशान दिखा देती ना, बता देती किस तरह जलाया था उसका नाम। देखा था, पहचाना नहीं, लेकिन उसी के सामने तो लिखवाया था ना बचपन में। उससे क्या होता है, मैं तो अपना सब कुछ मानकर बैठी हूँ, लेकिन उनके लिए मैं कुछ भी नहीं, गैर भी नहीं। कुसुम, रो रही है, पागल हो गई क्या कुसुम? नहीं नहीं, छी 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 छी, रो मत कुसुम। क्या बात है, रसोई ठंडी दिख रही है? चौधरायन का नहीं गई आज? गई थी। बड़ी उदास लग रही है, कोई बात हुई क्या? सुधीर आया क्या? उसकी मोटर दिखी मुझे आज। हाँ। चौधरायन को लेकर शहर नहीं जा रहा है क्या? लेखराज की जड़ी बूटी खा के मरेगी वो भी। सुधीर ने जाने को नहीं कहा क्या? कहा था। फिर इलाज कराने शहर नहीं जा रही क्या वो? डॉक्टर आए थे बादल गांव से। ओ, वृंदावन आया था? तुझे देखा उसने? हाँ। पहचाना नहीं? पहचानेंगे कैसे, कभी देखा थोड़ी है। तूने उसे कहाँ देखा है? 15 बरस के बाद तो आया शहर से, तुझे कैसे मालूम कि वो ही है? सुधीर बाबू ने नाम से बुलाया था उनको। उसका बच्चा बहुत प्यारा है, बहुत अच्छी देहाती बोलता है, चरण नाम रखा उसका। बाबा बाबा,
इसके पेट में दर्द होता है। देखा रोती है। तो हम क्या करें? इंजेक्शन दे दो ना। इंजेक्शन रहने दे, अब इसे सुला दे। इसके पेट में दर्द होता है, ये सोएंगी कैसे? ऐसे कर, माँ से कह वो सुला देगी। वो तो पूजा करती है। मेरी माँ नहीं बे, अपनी माँ से कह, काली है ना, वो इसे सुला देगी। ले ला दे ना, माँ ही ला दे इसे, हम दोनों सुखी हो जाएंगे। आ बेटा दूध पी ले। है? जब ये रोएंगी तब इसे चुप करा लेना। ये अब कहाँ से ले आया? मामा ने दिए। अच्छा मामा मिला है तुझे? पैसा वैसा लेता नहीं, हर तीसरे चौथे कोई ना कोई खिलौना ले देते। कौन है ये इसका मामा? कुंज है रे। कुंज कौन? वो तेरा कुसुम का भाई। कुसुम? वो थी ना बचपन में तेरी शादी की बात हुई थी जिससे। कुटनी? बचपन में से कुटनी ही बुलाया करता था तू। कुसुम नाम था उसका, यही रहती है वो? नहीं, तेरा ब्याह टूट जाने के बाद वो लोग सद्दीपुर जाके बस गए। कुसुम, आज एक लड़की को देखा था। बेटे, हाय राम, पता नहीं कब फुर्सत मिलेगी घर के काम से। अरे अभी तक लड़के ने दूध नहीं पिया। मुझे और नहीं पीना है, ये ले। आप लोग तो खराब कर दोगे लड़के को। अच्छा बेटे, कैसा माँ बेटे का प्यार पड़ा इन दोनों में देखा। तेरी कुटनी भी छुप में यही करती थी। कुसुम, मुझे अपना बेटा कहती थी? नहीं रे, वो तो तुझे पति कहती थी। 6 बरस की थी तब कहती थी तेरे लिए करवा चौथ का व्रत रखेगी। तो इसका मतलब ये है कि शरद पूर्णिमा में तू यहाँ नहीं रहेगी? नहीं, बादल गांव में होंगी ना अपने ससुराल में। बस 2 ही महीने रह गए तेरे ब्याह को। वो तो ऐसे मैंने कह रहे थे जब आए थे। वो आए थे? तूने देखा उसे? लो मैं तो मिली भी हूँ कच्ची मड़ी में, वो जो खेतपुर के रास्ते में है ना, वहीं पर। हाय मुनिम, तुझे डर नहीं लगता है? तो अकेले चले गई? बिरजू ने संदेशा भेजा था तो चली गई। तू तो नाम भी लेती है उसका। तो क्या हुआ, तू भी तो लेती थी। असली नाम थोड़े लेती थी, वो भी छुटपन में मुझे कुटनी बुलाते थे और मैं मिट्ठू। अच्छा कुसुम, अब अगर वो तुझे लेने आएंगे तो तू जाएगी उनके साथ? मैं क्यों जाऊँ? खुद ही उसे पति मानती है और खुद ही। मैं मानती हूँ ना, वो थोड़े ही मानते हैं। तुझे कैसे पता है कि वो नहीं मानते? मानते तो शादी क्यों करते किसी और से? ऐसे गई गुजरी थोड़ा ही हूँ, सुहाग भी लूंगी तो भीख नहीं। मैं जाती हूँ। तुम यही रहो बेटा, हम अभी आते हैं फिर चलेंगे। हाँ बाबा, बाबा ये गुलेल रह गई आपकी। सुनो, तुम कुंज की बहन हो ना? तुम्हें याद है मैं तुम्हें बचपन में क्या बुलाया करता था? मुझे पहचानती हो ना? जी बहुत अच्छी तरह पहचानती हूँ। नमस्ते मौसी माँ। नमस्ते बेटा। लेटे रहिए। ठीक है बेटा। कुसुम कहाँ है रे? नीचे हमका भेजन है, कोनो काज हो तो बताई दियो। काम हो जाए तो भेज दिए ऊपर। शायद डर गई हो, कहीं टिकाना लगा दो। बड़ी अच्छी लड़की है बेचारी। अच्छी है तो फिर बेचारी क्यों? बेचारी नहीं तो क्या, बड़ी जिद्दी है। मुझे बचपन में शादी होके टूट गई थी, फिर ब्याह नहीं किया उसने। बहुत समझाया माँ ने भाई ने, पर एक ही न मानी। क्या शादी नहीं की उसने? होने को क्या, आज हो जाए, पर माने तब ना, नहीं तो ऐसी लड़की के लिए वर की कोई कमी है। लेकिन क्यों नहीं करती शादी? बस उसी को पति मान के बैठी है। समझाते समझाते माँ गुजर गई, और भाई है कि वो खुद भी शादी नहीं कर सकता जब तक बहन का न कर ले कुछ।
तुम्हारा नाम चरण है ना? नहीं। तो मैं क्यों बताऊं? अच्छा तो सुनो, लड्डू खाओगे? नहीं। क्यों? बाबा ने कहा है सबके हाथ का नहीं खाते। सबके हाथ से थोड़े कहती हूँ, अपनी माँ के हाथ से भी नहीं खाएगा। तुम माँ थोड़ी हो। बदमाश। ये दो गोलियां हैं, वो लड़की है ना कुसुम, उसे खिला दीजिएगा। टीका तो वो लगवाएगी नहीं, लेकिन एहतियात बरतना जरूरी है। पानी दो। और लड्डू नहीं खा गए? पहले माँ कहो फिर पानी दूंगी। पानी दो। पहले माँ कहो फिर पानी दूंगी। पहले पानी दो। पहले माँ कहो। बोलो। छोड़ो ना। नहीं छोड़ूंगी। अरे छोड़ती भी नहीं, पानी भी नहीं देती। पहले बोलो। पानी मांग रहा था। लाओ मुझे पिला दो। कुसुम को इन सालों में तुमने कभी देखा है माँ? नहीं। तूने देखा है क्या? हाँ, सद्दीपुर गया था चौधरियों के घर। चौधरीन बीमार है ना, वहीं देखा उसे, मिला भी। बड़ी गरीब हालत में है वो लोग। हाँ, कभी अच्छा खाता पीता घर था उनका। अच्छा, वो शादी क्यों टूट गई थी माँ? जमीनों के झगड़े पड़ गए थे बेटा, उसी दंगे फसाद में कुंज के पिता मारे गए। लोगों ने तेरे बाबूजी पे दोष लगा दिया। कुछ दिनों बाद तेरी जान की धमकियां मिलने लगी हमें, इसलिए तुझे तेरे मामा के पास भेज दिया। बस उसी में शादी टूट गई और वो लोग यहां से छोड़कर कहीं और चले गए। उसके कुछ साल बाद कुसुम की मां फिर आई कुसुम को इस घर छोड़ने के लिए, पर तेरे बाबूजी नहीं माने। सुना है बाबूजी ने बहुत बेइज्जत करके घर से निकाल दिया था उन्हें। उनका गुस्सा जो था तू तो जानता है, आगा पीछा सब भूल जाते थे। वो पिछला झगड़ा खत्म नहीं किया जा सकता मां। उस लड़की ने अभी तक शादी नहीं की। क्या कह रहे तू? ठीक कह रहा हूँ माँ, अभी तक उसी बचपन के रिश्ते को मानकर बैठी है। मगर ये तो बताओ क्यों बुलाया है माँ ने? माँ ने नहीं, बड़ी माँ। हाँ हाँ, बहुत बड़ी माँ है, मगर बुलाया क्यों है? मुझे क्या पता, आजकल बताती थोड़ी है वो। अच्छा चल भाई, तू चल चल, चल। प्रणाम माँ जी। जीते रहो बेटा, जीते रहो। आओ बैठो। नहीं बस मैं यहीं ठीक हूँ माँ। अरे ऊपर बैठो। नहीं नहीं बस माँ। है रे कुंज, हफ्ते में दो बार गुजरता है गांव से और यूं ही बगैर मिले चला जाता है। वो बस माँ जी काम धंधे की जल्दी में निकल जाता हूँ जरा। काम धंधा जो तू करता है मुझे मालूम है, बच्चों को मुफ्त में खिलौने बांटता है। कमाई क्या होगी तेरी? कमाने के लिए अपना ही घर रह गया माँ। ये ले।
शरबत पी ले। जा बेटा तू काली के साथ खेल जा। वो तो खत्म। खत्म मतलब? ये कहती है वो तो नदी में डूब कर मर गई। ऐसी बातें नहीं करते, चल इसे ले जा। वो मच्छरों के जाल में फंस गई थी, वो उसे बचा कर ले आए हैं, चल मेरे साथ। कौन है ये काली? ये तारी है ना ब्राह्मणी, जो घर में खाना पकाती है उसकी बेटी, इसी घर में पली है। इतनी घुल मिल गई है छोटे चरण के साथ कि पूछो मत। चरण भी तो बहुत प्यारा बच्चा है माँ जी। तू कब कोई बाल बच्ची की खबर सुनाएगा हमें? अभी तो मैंने शादी भी नहीं की है माँ जी। तो शादी कब करेगा? सुना है तू बहन के लिए बैठा है। देख बेटा, कुसुम जो अब तक कुंवारी बैठी है ये ठीक नहीं। कुंवारी कहते हुए शर्म नहीं आई उन्हें? और तुमने भी चुपचाप सुन ली उनकी? पर वो तो यही मानते हैं ना कुसुम, जब गौने से पहले ही रिश्ता टूट गया तो शादी कैसे? तुम भी यही मानते हो, माँ भी यही मानती थी ना, जो मुझे लेकर गई थी उनके दरवाजे तक। नहीं माँ तो नहीं मानती थी, लेकिन तुम तो ये भी भूल गए भैया कि कितनी बेइज्जती की थी हमारी माँ की। देखो कुसुम, अब पुरानी बातें खोदने लगेंगे ना तो सुलह कभी नहीं हो सकती। तुम्हें कहा किसने था कि सुलह करने जाओ उनसे? मैं कहा गया था, उन्हीं ने बुलाकर बात छेड़ी थी। हाँ उन्होंने बुलाया और तुम चले गए, जैसे तैयारी बैठे थे उस घड़ी के लिए। तो क्या करता? क्या जरूरत थी उस घर में जाने की? लो, मैं कोई अपने लिए थोड़ी गया था, तेरे लिए तो जाना पड़ा। मेरे लिए उनसे भीख मांगने की कोई जरूरत नहीं। तू समझती तो है नहीं बात को। मुझे समझने की जरूरत भी नहीं, और तुम्हारी जो समझ बूझ है मैं जानती हूँ। जिसने दूध पिलाया बस उसी के मुँछे लगा लेती हूँ। तुम वहां जाना छोड़ दो, और बहुत से गांव हैं, एक बादल गांव की फेरी न लगने से हम भूखे नहीं मर जाएंगे। तू तो चाहती है बस तेरा हुक्म मान के चलता रहूं। छोटी है मुझसे मगर हुक्म ऐसे चलाएगी? ग्लास दो ना। तुझसे बड़ा हूं मैं, मेरी भी कुछ मर्जी है। बस उठो भैया, हाथ धो लो। धो लेता हूं। भैया घर में कुछ नहीं है, आते हुए चक्की से आटा पिसवाई लाना, मैं वहां पे। भैया कुसुम। अरे क्या हुआ, क्या देख रही हो? भैया जाने कहाँ चले गए? वो तो फेरी पर गए हैं, अभी मैंने देखा उनको घाट पर जाते हुए। हाँ रोटी का डब्बा तो यहीं पड़ा है, और ये बगैर बताए कभी जाते नहीं। तुमने फिर किसी बात पर डांटा होगा। नहीं तो कोई बात भी नहीं हुई, तू कैसे आए? ये दो चादरें भिजवाई है ना माने कढ़ाई के लिए, और तो कितना कुछ ले जाएगी दहेज में हुई। ए लो, मैंने थोड़े कुछ कहा, खुद माने तो कहा कि दो गिलाफ और दो चादर कड़वा ले कुछ ले। और वो क्या देगा तुझे, ठेंगा? ठेंगा क्यों, ये दिए थे ना कड़े शगुन के। सोनार से परखवा लेना, क्या पता सोना है कि पीतल। ऐसा नहीं है मेरा बिरजू। चुप मुई, बार बार नाम लेती है उसका। बला पड़ेगी तुझ पर। मेरी बला से न चली। इतनी जल्दी में क्यों है? क्या फिर वहीं जाना है कच्ची मुड़ी पे, उससे मिल ले? हाँ। कुंज, कुंज। कुसुम, माँ जी जीती रहो बेटी। कहाँ छुप रहे हो जी, उस दिन तो भाग गए थे। आइए। आप बैठे माँ जी, मैं तकिया लाती हूँ। क्या पियेंगे आप, छाछ लाऊं? नहीं बेटी, अब तो खाना ही खा लेंगे दिन में, हम तो दिन यही काटने आए हैं। मैं अभी आती हूँ।
कुंज भैया हैं? माँ जी अंदर बैठी हैं। चरण, ए चरण, क्या? तेरे बाबा है ना? कौन? अभी जो अंदर गए? हाँ? उन्हें यहाँ बुलाओ। क्यों? उनसे काम है। क्या काम है? कहा ना उनसे काम है। हाँ, मुझे मालूम है। पहले लड्डू देती हो, फिर पानी नहीं देती। अच्छा, मैं बाबा से कह दूँगी। कुंज कहाँ चला गया? शायद बाहर गया लगता है। बता कर नहीं क्या? बाबा? बाबा, वो तुम्हें बुला रही है। वो कौन? वो कौन है? ऐसा नहीं कहते बेटा, बंदा जा, कुसुम शायद तुझे बुला रही है। बाबा, जल्दी से माँ बोल देना, मैं तो पानी नहीं देंगी। क्या? हाँ, मुझे उस दिन बोलती थी, माँ बोलने तो पानी नहीं दूंगी। तुमने बुलाया मुझे? हाँ। क्यों? अचानक आप लोग इस तरह चले आए हैं। भैया भी नहीं है घर पर। कहाँ गए कुछ भैया? वो तो सुबह ही चले जाते हैं फेरी पर। लेकिन आज तो उन्हें ने बुलाया था हमें। भैया ने बुलाया था? हाँ, खाने पे बुलाया था और कहा था कि वो आज घर पर ही रहेंगे। बताया नहीं कुछ भैया ने? नहीं तो शायद भूल गए। कुछ मुश्किल हो तो मुझे बता दो, मैं बाजार चले जाओ और कुछ साधु हला दो। आज घर में कुछ नहीं है, पैसे भी नहीं है मेरे पास। कुंजियां भैया के जेब में रखी थी, उनके साथ ही। जिस अधिकार से सौदा लाने के लिए कहा था, पैसों की सफाई देकर उसे कम मत करो। लाना क्या है? गांव की चक्की यहाँ से बहुत दूर है, मैं वहां तक अकेली नहीं जा सकती। मेरे साथ भी तो नहीं जा सकती, कहीं गांव वालों ने देख लिया तो। कुंज भैया का नाम ले लेना, वो आटा दे देगा, मैं वहां रखे रही थी। और कुछ? सब्जी तरकारी जो खाना हो वो बाजार से ले आना, और पान भी ले आना, माँ जी खाने के बाद लेती है। अच्छा, सुनिए। कहिए। माँ जी क्या सोचेंगी, घर बुलाया था खाने के लिए और आप ही से कह रही हूँ कि। घबराओ नहीं कुसुम, इतनी समझ मुझ में है। मैं माँ से कहकर जा रहा हूँ कि चौधरीन को देखकर आता हूँ, बाहर गाड़ी वान है, सामान उसके हाथ भिजवा दूंगा। ठीक है, मैं जाऊँ। कहीं सच मुझे चौधरीन के यहाँ बैठने जाना, जल्दी लौटना, मुझे रसोई भी करनी है। जो हुक्म। माजी, अच्छा ये भी जानती है तू? कोई सेवा नहीं कर सकी आपकी, रुखा सुखा जो बन पड़ा। नारे बहुत अच्छा था, और अब तो तेरे ही हाथ का खाना होगा। जब तक बिंदा के पिता थे उनकी इज्जत चलती थी, अब बेटी की सिदा आ गई सो वो भी मान ली, क्या करती। माँ चलो ना, गाड़ी तैयार है। आती हूँ। ये लो, शगुन के हैं, बाकी बात मैं कुंज से कर लूंगी।
बहुत देर हो गई ना आज। वो जनकपुर चला गया था मैं आज। वापसी में मेघू की कश्ती में आना पड़ा। नदी में चलते चलते दम भूल गया आज मेरा। हाथ लगी थी वो हाथ। बहुत बिक्री हुई, पैसे अच्छे मिले। तेरे लिए साड़ी लाया हूं। कोई आया गया तो नहीं था ना घर में? नहीं नहीं नहीं। क्यों, कोई आने वाला था क्या? नहीं, वो सुबह में जल्दी चला गया था ना इसलिए। डॉक्टर आए थे बादलगांव से। है? अच्छा, माँ और चरण भी थे साथ में। कल बादलगांव की तरफ जाओगे? नहीं, सोचा तो नहीं था, तुम कहती हो तो। कल चले जाना बादलगांव। हाँ, माँ के ये दो कड़े रह गए हैं, इसे वापस दे आना। रह जाए मतलब? माँ ने स्नान करते समय उतारे थे, यहीं भूलकर चली गए, कल जाके वापस कर देना। कड़े तो तुमने दे दिए हैं माँ, लेकिन कुछ कहा भी, कुछ बताया भी कि क्यों दिए कड़े तुमने? इतनी बुद्धू नहीं है बहू मेरी, मंगनी के शगुन के लिए हमेशा कड़े ही दिए जाते, वो सब समझती है। लेकिन तुमने कहा क्या, ये लो कड़े? नहीं रे, कह के आई थी कि कुंज को भेज देना मेरे पास, उससे बहुत कुछ तय करना है मुझे। तुम भी बड़ी होम्योपैथिक स्टाइल में बात करती हो माँ। जहाँ इंजेक्शन देने की जरूरत थी वहाँ पुड़िया देकर चली आई। तुमने साफ साफ क्यों नहीं कह दिया जो कहना था? क्या कहती, ये ले कड़े और चल मंडप में। अरे इतना उतावला क्यों हो रहा है तू, सुबह कुंज आएगा तो सब पता चल जाएगा। वो बहुत अभिमान वाली लड़की है माँ, जिस तरह हम लोग उसे छोड़कर बैठ गए थे, पता नहीं मानेगी या नहीं। छोड़ी हुई को पति वापस ले ले, इससे बड़ा मान और क्या मिलेगा किसी लड़की को। मैं जो फिर से घर की बहू बना रही हूँ उसे, क्या छोटी बात है? बिरजू, जरा कोनेन की बोतल देना वहां से, और वो मिक्सर भी देना। ठीक है ये दो बार ले लीजिए। अरे हाँ बिरजू, वो हरिहर की दवा दे दी? हाँ जी, वो तो अभी लेके गए। बिरजू जरा बिकर देना। हाँ जी। डॉक्टर साहब, आपके साथ रहते रहते बिरजू आधा डॉक्टर हो गया। आधा क्या, ये तो पूरा डॉक्टर हो गया। अगर ये ना हो तो मैं आधा रह जाऊंगा। बिरजू भैया मेरी दवा दे दो। नमस्कार भाई साहब। आओ कुंज भैया, आओ बैठो। यहाँ? नहीं भाई साहब नहीं, मैं यहाँ नहीं बैठूंगा। कहीं मुझे भी मरीज समझकर आपने सुई लगा दी तो मुश्किल हो जाएगी मेरी। तो फिर मेरी कुर्सी पर बैठो ना। ना बाबा ना, भगवान का नाम लो, मैं तो अंदर जा रहा हूँ माँ जी के पास, बहुत जरूरी बात करनी है उनसे। ठीक है, मैं भी चलता हूँ। अच्छा एक सेकेंड। नहीं कुंज भैया तुम ही जाओ, कहीं माँ ये ना समझ बैठे उतावला कहीं का काम छोड़कर चला है। अच्छा मैं जाता हूँ। लो प्रणाम माँ जी। जीते रहो। माँ जी जल्दी से मुंह मीठा करा दीजिए, मैं बहुत अच्छी खबर लाया हूँ। क्यों नहीं क्यों नहीं, बैठो तो खाली प्लेट में खीर डाल के कुंज के ले ले आओ। जल्दी से। अच्छा माँ जी एक बात बताइए, कल आप हमारे घर में क्या खोकर आई थी? बेटा खो के आई। माँ जी मजाक मत कीजिए, सच बता दीजिए। अरे खोना क्या था बेटे, कुछ पा कर ही आई हूँ। देखा कितनी कमजोर याद है आपकी, जब आप स्नान करने गई थी तो क्या उतार के रखा था? स्नान करने? हाँ जब आप स्नान करने गई थी तो कड़े उतार के रखे थे आपने। वो तो अच्छा हुआ कुसुम ने संभाल के रख लिए। घर में आते ही सबसे पहली बात उसने मुझसे यही कही, जाके माँ के हाथ में सौंप देना। लीजिए आप ही कहे ना। हाँ
कोई रास्ते पे थोड़ा ही बैठे हैं। जब जी चाहेगा रख जाएंगे, जब जी चाहेगा ले जाएंगे, सब कुछ उन्हीं की मर्जी से होगा। मैं कुछ भी नहीं, कोई भी नहीं। एक बार ये भी नहीं पूछा इतने बरस कैसे काटे हैं मैंने, कैसे जीती रही हूं मैं, कैसे मरती रही हूं मैं। उनका जी चाहा तो ब्याह तोड़ दिया, उनका जी चाहा तो दूसरी शादी कर ली जाके, उनका जी चाहा तो अब चलने के लिए कह दिया, जैसे कुछ हुआ ही नहीं, जैसे मैं कोई भिखारन हूं रास्ते की। कुसुम, नहीं नहीं, किसे चिट्ठी लिख रही हो माँ? मोहन बाबू को, याद है उनकी लड़की का रिश्ता आया था तेरे लिए। मुनीम जी, जी ये चिट्ठी डाल दीजिए। जी अच्छा। अच्छी लड़की है लता, तू भी तो जानता है उसे। हाँ जानता तो हूँ, लेकिन। लेकिन क्या, कुसुम नहीं मानेगी तो क्या इस घर को बहू नहीं मिलेगी? माँ शादी जिद की बात नहीं होती। मैं जानती हूँ, इसीलिए कुसुम के लिए जिद नहीं कर रही। संजोग की बात है, जहां संजोग होंगे वहीं हो जाएगी शादी। अरे तू कहाँ जा रही है? नदी पर से पानी लाने गई थी। हम्म, और लाई क्या है? कल सी तुझे हुआ क्या है री? वो आ रहे थे ना नदी पर, इसलिए चली आए। सुना है इस गांव में भी दवा खाना खोल रहे हैं डॉक्टर बाबू। नहीं तो, तुझे किसने बताया? माँ कह रही थी कि बाजार के पीछे वाला मकान खोल दिया है उनके लिए। गाँव के लिए तो अच्छा ही है, लेकिन तेरे लिए बहुत बातें निकलेंगी। तो सुन, मेरे लिए अब क्या रह गया है कहने को? लोग तो अभी से कह रहे हैं कि वृंदावन इस गांव में दवाखाना तेरे ही लिए खोल रहे हैं। क्यों, इतने बरसों से लोग नहीं जानते कि मैं छोड़ी हुई हूँ? उस दिन वृंदावन तेरे घर आए थे ना, वो देखा है लोगों ने। कितनी बड़ी आंखें हैं लोगों की। ए मां कहूंगा तो लड्डू दोगी? चरण, चलो बेटे, तंग मत किया करो लोगों को। मनु तो कह देना बाद में आ जाएगा। डॉक्टर बाबू, इसे छोड़कर जाओ ना, हम बाद में पहुंचा देंगे। देर मत करना, मैं शायद जल्दी लौट जाऊं। नदी पर चलेगा मेरे साथ नहाने? तुम भी नहाओगी? तुझे नहलाऊंगी। अच्छा मैं चलूंगा। सावन जले भादो
आज अपने आप माँ कैसे बुला लिया तूने? उस दिन इतना कहा था। बाबा ने कहा है कि तुम छोटी माँ हो। बड़ी माँ कौन? तो वो जो उस दिन आई थी पान खाया था। मैं अब काली को माँ नहीं बुलाऊंगा। काली कौन? वो जो हमारे गांव में एक लड़की, उसके लिए भी बाबा कहते थे कि वो मेरी माँ लगती है। चरण खा ले, और अभी तक कपड़े भी नहीं सूखे उसके। क्या हुआ कपड़ों को? नदी में नहाने गया था। ओ, खा ले तो ऐसे भेज देना उसके कपड़े, सुखाने की जरूरत नहीं। मैं बाहर गाड़ी में बैठा हूँ। आप तो नाव से आए थे। हाँ, मैं डेरा गया था नाव से, इसीलिए गाड़ियाँ मंगवा ली थी। अंदर आके बैठ जा, जब तक चरण तैयार हो जाता है। नहीं, मैं बाहर ही ठीक हूँ। वो क्या अच्छा होगा, चार आदमी घर के बाहर बैठे देखेंगे। घर में जाते देखेंगे चार आदमी, वो क्या ज्यादा अच्छा होगा। देखो, यूं दरवाजे पे खड़ी मैं तुमसे बातें करती रहूं, ये भी कोई अच्छा नहीं लगेगा। अंदर आके बैठ जाओ। बाबा, लड्डू खाओगे? पानी पीने को मिलेगा? ये क्या पहलवान जी, गमछा वमछा डालकर बैठे? नदी पे नहाने गया था बाबा, बहुत मजा आया। कल से आप भी गमछा लेकर आना, नहाने जाएंगे। कुछ भी ये कहाँ गए हैं? फेरी पर? नहीं, शहर गए हैं। शहर क्यों? जाते हैं महीने दो महीने में सामान लाने। ये रोज रोज की आदत मत डालो चरण को, बाद में तंग करे। तंग करेगा तो मेरे पास भेज देना। ये तुम्हें माँ बुलाने लगा है, बाद में जिद करेगा तो क्या समझाऊंगा इसे। माँ ला देना, एक मैं ही तो नहीं जिसे माँ कहता है चरण। और कौन है जिसे चरण माँ कहता है? वो एक है ना बादल गांव में। बादल गांव में? काली का? तो सब बता दिया इस बदमाश ने। बताएगा क्यों नहीं? उसने ये नहीं बताया कि वो है कौन। हमारे यहाँ खाना पकाती है तारी ब्राह्मणी, उसी की बेटी है। जात तो मिलती है? हाँ, जात पात तो मिलती है, और लड़की है भी खूबसूरत, गोरी चिट्टी और जबान की भी मीठी है। लेकिन 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 उम्र की बहुत कम है बेचारी, 10-11 बरस की होगी। चरण की हम उम्र है, उसी के साथ खेलती है। मुझे क्या मालूम था, चरण ही तो कह रहा था कि वो उसे माँ कहता है। विश्वास भी एक बड़ी चीज है कुसुम, अगर हो मन में। हाँ, विश्वास ही तो था जो शहर जाकर शादी कर ली। हाँ, उसके लिए दोषी मैं जरूर हूँ, लेकिन वो शादी कैसे की मैंने अगर तुम जानती तो शायद इतना दोषी न ठहराती। बिल्कुल निर्दोष तो नहीं हूँ, लेकिन दोष इतना बड़ा भी नहीं है जो माफ न किया जा सके। कम से कम जब कमला नहीं है इस दुनिया में। डॉक्टर नहीं थी? नहीं, वो शहर की भी नहीं थी। फिर कौन थी? आसाम की तरफ एक गांव है अनखन्ना, वहां की रहने वाली थी। मैं अपने एक दोस्त के साथ गया हुआ था, अजीब सफर था। शिकार का बहुत शौक था उसे। ऐसे घने अंधेरे जंगल थे कि दिन में हम एक दूसरे का चेहरा देख ना पाते थे। भटकते हुए जब हम उस जंगल से गुजरे तो एक गांव में जा पहुंचे, वही अनखन्ना। पता नहीं मेरे दोस्त को कैसे ख्याल आ गया कि वहां उसके दूर दराज के फूफा रहते हैं। ढूंढते हुए हम वहां जा पहुंचे। जी, वो राम भजन जी यहीं रहते हैं? राम भजन जी, हाँ जी, मैं विनोद हूँ।
वो दूर के रिश्ते में मेरे फूफा लगते हैं। वो नहीं है, उन्हें गुजरे बहुत साल हो गए, 10 से भी ऊपर। आई नानी। अंदर बैठो आप लोग, पानी वानी पियोगे? हाँ पानी तो पियेंगे। ये तो भूतघर लगता है यार। यार भूत इतने खूबसूरत होते हैं मुझे नहीं मालूम था। सब माया है प्यारे, माया, इल्यूशन, सब कुछ नजर आता है। छू कर देखो। कुछ नहीं भाई, अब क्या है तो छू के देखो। हाँ जहाँ पर पढ़ा तो समझना, अंधा है नहीं पढ़ा तो। भाई लो पानी। कहाँ घूमती रहती है दिन भर, कितनी बार तुझसे कहा जब बाहर जाए तो कुंडी मत लगाया कर किवाड़ में। बाबू आएगा तो किवाड़ कौन खोलेगा? बाबू वो कौन? शायद पति होगा इसका। शादीशुदा तो नहीं लगती है। तो फिर भाई होगा? क्या डाला है पानी में? थोड़ी सी दवा डाली है, खांसी अच्छी हो जाएगी, पी लो। अरे तुझे कहा ना, दवा नहीं चाहिए मुझे, यूं नहीं मरती तो डॉक्टर मैं मार देंगे मुझे। कहाँ जा रहे हो? बीमार लगते हैं, जरा देख के आता हूँ। कौन कौन है लगते? बाबू, बाबू बेटा, बाबू बेटा। कोई भी तो नहीं है नानी, तुम तो खामखा वहम में पड़ी हो। गया तो था सीढ़ियों पर। कहाँ, मुझे तो कोई दिखाई नहीं देता। ऊपर जिंदा को देखा नानी का? अंधी है अभी तो, शुरुआत है बेटा, पता नहीं क्या क्या दिखाई देगा। मेरा तो ख्याल है कि थोड़ी देर में तुम्हारे फूफा राम भजन भी दिखाई दे जाएंगे। हाँ वो तो है। कमाल है। अभी तो एक और करेक्टर आने वाला है। कौन? बाबू। आप लोग यहाँ बैठो, मैं कुछ खाने पीने को लाती हूँ, भूख तो लगी होगी। हाँ भूख तो लगी है। आपकी नानी काफी बीमार मालूम होती है। हाँ क्या बीमारी है? बुढ़ापा, 70 बरस की तो है। ये बाबू कौन है? कोई नहीं। नानी जो कह रही थी, उसे बचपन में शादी हुई थी मेरी, 15 बरस हो गए उसे गए, लेकिन नानी अभी तक यही सोचती है कि वापस आएगा। 2-3 बरस से तो यही रट लगी रहती है दिन रात। उस वक्त एक लड़की का ख्याल मुझे भी आया था, कुटनी का। सच कहूं ये सोचा भी नहीं था कि कुटनी इतनी बड़ी हो गई होगी। अगर सोचा भी तो यही कि कुटनी कब की शादी करके घर बसा के बैठी होगी। कुसुम नाम तो मालूम ही नहीं था मुझे। फिर? हाँ फिर कमला में बिठा कर बाहर कुछ लाने चली गई। लकी नाम था ना उसका? कमला ही उसका असली नाम था,
उसकी नानी उसे लखी बुलाया करती थी। तो कमला बाहर चली गई और थोड़ी देर बाद ही अचानक उसकी नानी की आवाज आने लगी। लखी रे, किस जोखिम में डाल दिया मुझे? अरे सुनती है, कहाँ चली जाती है बार बार, फिर क्यों आड़ बन करके चली गई? अरे अरे करम जली, बाबू आके चला जाएगा तो कौन कौन है, कौन है, कौन बाबू? बाबू तू आ गया बेटा, देखा देखा, मैंने कहती थी, मैंने कहती थी तू जरूर आएगा बेटा, तू जरूर आएगा। हाँ नानी माँ, मैं आ गया, चलो अंदर चलो, चलो उठो, मैं जानती थी तू आएगा, इसीलिए तो जी रही थी बेटा, सिर्फ तेरे लिए ही जी रही थी। लखी की माँ तो रात देखते देखते मर गई, अब तू ही संभाल ले अपनी लखी को बेटा। बाबू अगर तू इसे संभाल लेगा तो मैं भी मर सकूंगी। कहाँ गई है? मैं समझी फिर किवाड़ बंद कर गई। लखी लखी देख बाबू आ गया, मैंने कहती थी वो आएगा, देख बेटी मैंने उधर क्या कर रही है, इधर आना आना लखी। कहाँ चली गई तू, कहाँ चली गई थी बेटी? किवाड़ खुले छोड़ गई थी ना, बस आप चाहे तो कुंडी लगा दे, अब इसे मत जाने दीजिए। बाबू बेटा अब इसे मत छोड़ियो रे, बहुत रोई है ये तेरे लिए, बहुत मार देखी है, इसे मत छोड़ियो बेटा, बड़ी जान है ये मेरी बेटी, बहुत दुख सही है इसने। बाबू बाबू बेटा बोला तू इसे छोड़कर नहीं जाएगा ना, बोल बेटा नहीं जाएगा ना। नहीं जाऊंगा नानी माँ, अब कहीं नहीं जाऊंगा, मैं रहूंगा यहाँ। रहूंगा लखी के पास। बच्चों की तरह नानी मेरा हाथ पकड़ के रोती रही, बच्चों की तरह उस पर सो गई, लेकिन मेरा हाथ नहीं छोड़ा। बरसों बाद जो लौटा था उसके फिर चले जाने से डरती थी। रात गए तक मैं बैठा रहा नानी के पास, मुझे खाने के लिए भी नहीं उठने दिया उसने। जब नानी बिल्कुल सो गई तो कमला धीरे उठाकर नीचे ले गई मुझे। नानी ने बड़े अच्छे दिन देखे थे इस घर में, जब तक बाबा थे इस घर में कोई ना कोई आया गया रहता ही था, लेकिन उनके बाद माँ को देखने कोई नहीं आया, एक एक करके सब रिश्तेदार अलग हो गए, बस एक नानी थी जिसने संभाल रखा हम दोनों को, और फिर माँ भी चली गई, बिल्कुल सुनसान हो गया ये घर, बस नानी और मैं, बरसों से किसी और की सूरत नहीं देखी इस घर में, आज
बरसों बाद ऐसा लगा कि हम जिंदा हैं, अभी इंसानों की बस्ती में रहते हैं। नानी गुजर गई, किस वक्त हुआ ये पता नहीं, नींदे में चली गई। ऐसा लगता है सिर्फ बाबू की खबर सुनने के लिए अब तक जाग रही थी, एक बार उठी भी नहीं, करवट भी नहीं ली। नानी गुजर गई कब? रात को। अब क्या करेंगे? मेरा तो ख्याल है फिर से चलो यार, खामखा किस झंझट में फंस जाएंगे। कैसी बात करते यार, बेचारे को अकेले छोड़ के जाएंगे, क्या करेगी? हैं तो सही यार, इतने सारे लोग, तुझे शर्म नहीं है कि इस तरह छोड़ के जाते हुए? आई हूँ यार, लेकिन ऊपर चले। विनोद या नहीं, अंदर जाके पियो। अब यहाँ क्या करोगी? वही जो आज तक करती थी। क्या? जो माँ करती थी, माँ के बाद नानी और नानी के बाद मैं, उस कभी ना आने वाले का इंतजार। मैं भी एक दिन बिल्कुल नानी की तरह बाबू बाबू करते करते ऐसे ही यहाँ। कोई और रिश्तेदार है तुम्हारा? शहर क्यों नहीं चली जाती? किसके पास? विनोद के माँ बाप के पास। विनोद ना सही, उसके माँ बाप तो जानते हैं तुम्हारा रिश्ता। मैं नहीं जानती, न माँ गई थी किसी के पास, न बाबा, न मैं जाऊंगी। अब बाकी भी क्या रह गया है, वो तीनों तो भुगत गए, अब सिर्फ मैं ही बची हूं। मैं भी किसी दिन वो रात वहीं काटी। अगली सुबह जिस कमला को देखा, वो रात वाली कमला ही ना थी, बिल्कुल कोरी बेताल्लुक, पिछले दिन का कोई भी साया बाकी नहीं था उस पर। दरियां उठा दी? हाँ उठा दी। कोई आएगा तो? क्यों आएगा? मतलब यह तो आज मरो कल चूल्हा जल जाता है। यह जिंदों के लिए कोई नहीं मरता, मुर्दों के लिए कौन मरेगा? क्या हुआ यार? अजीब औरत है यार, बड़ी रुकी रुकी सी लग रही है, लगता नहीं जैसे कल से यहां रह रहे हैं। कमाल है। कब जाओगे आप लोग? बस अभी चले जाएंगे। कुछ चाहिए? कुछ नहीं। हद है यार, बहुत ही सुर उतरा हुआ, कल तक तो ऐसे नहीं थी, पता नहीं आज क्या हो गया है। लखी हम लोग चलें? हाँ जाओ। हम चले आए।
उसे छोड़ के चले आए? हाँ, उसे छोड़कर चले आए। अभी गांव के बाहर निकले भी नहीं थे कि विनोद को ख्याल आया, उसका पर्स वहीं रह गया है तकिए के नीचे। मैंने पूछा, क्या बहुत पैसे थे उसमें? 1100 तो होंगे। चल रहने दे, बेचारे के काम आएंगे, 4-6 महीने अच्छी तरह कट जाएंगे। नहीं, मगर कुछ जरूरी कागजात भी हैं उसमें। फिर वापस जाना पड़ेगा? जाना ही पड़ेगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि बटुआ उसके हाथ लग गया हो, तभी सुर उतरा हुआ था उसका। मिल गए? ठीक है। हाँ चलो। ये लक्की दिखाई नहीं दे रही, कहाँ गई होगी? वो गई बाबू के पास। चल। लक्की, 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 विनोद, विनोद जल्दी ऊपर आ। क्या हुआ? जहर खा लिया इसने। जहर? हाँ, नीचे से जाकर पानी लेकर आ। और सुन, बहुत सारा नमक डाला उसमें। मैं लेके आता। चंद घंटे भी देर हो जाती तो कमला नहीं बच सकती थी। हमारे जाते ही जहर ले लिया था उसने। कमला को बचा तो लिया मैंने, लेकिन शाम तक जब होश में आई यही कह रही थी, मैं क्यों इंतजार करूं किसी का, नानी की उम्र तक क्यों इंतजार करूं। मैं जानता था आज नहीं तो कल भी कमला यही करने वाली है। और फिर मैं उसे अपने साथ ले आया, शादी करके शहर ले आया। ओ, बहुत देर हो गई। अरे ये तो यूं ही सो गया, जरा देखो तो इसके कपड़े सूख गए क्या। चरण को आज यहीं रहने दो ना, मैं भी अकेली हूं। मां पूछेंगी तो क्या कहूंगा? क्यों, सच नहीं कह सकते? सच तो यह है कि जिस तरह तुमने कड़े लौटाकर अपमान किया है मां का, उन्हें मेरा यहां आना भी अच्छा नहीं लगेगा। मैंने तो कड़े ही लौटाए हैं, लेकिन जब मुझे लौटा दिया था, मेरी माँ को घर से निकाल दिया था, तब क्या किसी का अपमान नहीं हुआ? तुम क्या बदला ले रही हो माँ से? नहीं, अपना सम्मान मांग रही हूँ, माँ से नहीं, तुमसे। चरण, रहने दो ना, तुम छोटा ना करो। तो माँ के सामने छोटा होते मुझे कोई शर्म नहीं। कल आकर ले जाना हमें, मैं चरण की उंगली पकड़ के चली आऊंगी। अच्छा, मैं मां को समझा लूंगा।
तेरे बाबा है ना, इसे मेरी मांग में डालकर अपने साथ ले जाएंगे। कैसे डालते? ऐसे। अगर नहीं डाले तो मैं नहीं जाऊंगी। ये डिब्बिया मुझे दे देना, मैं डाल दूंगा। तू मुझे डालेगा? अरे जब तुम्हारी बीवी आएगी ना, उसे डाल देना। अच्छा बाबा आते होंगे, तुम जूते वूते पहन के तैयार हो जाओ। चरण, ओमा ये बाजार ले लूं? ले लो बेटे। दूध पी लो। और देखो तुम्हें जो भी खिलौना चाहिए मामा के आने से पहले ले लेना। मामा तो हमें ही दे देते, पैसे भी नहीं लेते। अच्छा कुंज भैया, बादल गांव से गाड़ी भिजवाई ने दीदी। वो कहाँ है डॉक्टर बाबू?
वो तो नहीं है दीदी, हम कहा भिजवाई ना चरण के लिवाए के वास्ते। क्या कह रहे हैं तुम का? हम का तो यही कह रहे हैं, चरण का लिवाई खिलाओ। और कोनो के आवे का नहीं कहन का? नहीं तो जाओ बेटे, गाड़ी भेजी है तुम्हारे बाबा ने। तुमने आगी माँ? नहीं बेटे, मुझे नहीं बुलाता कोई। माँ मैं ये बाजा ले जाऊँ? हाँ ले जाओ। कुसुम, ओ कुसुम, अरे अब की बार शहर से मैं बहुत सामान लाया। बाप रे, शहर में क्या क्या खिलौने मिलते हैं। तेरे लिए कपड़े लाया। क्या बात है, किस सोच में पड़ी है, है? अरे हाँ, वो बाहर वृंदावन की गाड़ी जाते हुए देखी, वो यहाँ आया था क्या? हाँ। क्यों? मुझे लेने आए थे। तुझे लेने? हाँ, मेरा गौना लेने आए थे, बहू ले जाने। नौकर भेजा था भैया बहू को ससुराल ले जाने के लिए। पहली बार ससुराल जा रही थी ना, न डोली, न फेरे, न पूजा, कुछ भी तो नहीं मांगा था मैंने, फिर भी नौकर भेज दिया था। चाहूं तो चली जाऊं, नहीं तो क्या खोटा मुझ में भैया, ऐसा क्या बुरा किया है मैंने जो यूं अछूत की तरह चिमटे से पकड़ते हैं मुझे। मैं क्या करूं कुसुम, क्या करूं, सच कुछ समझ में नहीं आता। मैं तो भटकू भी नहीं उनके दरवाजे पर तू भी तो नहीं मानती, तोड़ती भी तो नहीं उस रिश्ते को जो पता नहीं है कि नहीं। इससे तो अच्छा था तू विधवा हो जाती। भैया, दीदी, वो चरण की मोजे रह गई हैं। जाओ, जाके माँ की हथेली पे रख देना और कह देना कुसुम विधवा हो चुकी है, वृंदावन मर गया हमारे लिए, न था न है न होगा। कुछ खाए पिए का ख्याल रखा है डॉक्टर बाबू? नहीं नहीं, सब कुछ खा सकते हो। बिरजू, जिस तरह से प्लेग फैल रहा है सारे गांव में, अगर अभी से ध्यान न रखा गया तो अच्छा ना होगा। ये भी कोई तरीका है? सुबह से घर से निकले हो और बताया भी नहीं कि कहां गए। मैं सारे गांव में ढूंढ कर आ रही हूँ। पता है बड़ी माँ बिचारी कब से नाश्ता बनाकर बैठी है। माँ से कहो वो खा ले, मुझे देर लगेगी लौटने में। मैंने बहुत समझाया बाबा, पर जब तक बेटा ना आए माँ को कहाँ चैन। चरण आ गया? कहाँ आया, अरे वो आए तो मैं भी मुंह में कुछ डालूं। गाड़ी भेजिए उसे लाने। कब की? तू जा माँ से कह दे मेरा इंतजार न करे। अपने खाने पीने का ख्याल रखना। तेरी ससुराल भी वही है सद्दीपुर? जी हाँ। क्या नाम है लड़की का? मन्नो, पूरा नाम मनोरमा है। शादी कब है? अगली पूर्णिमा को। डॉक्टर बाबू जरा जल्दी चलिए, रामू और ममदू दोनों को बुखार ने जोर मारा है। ममदू तो लगता है डॉक्टर बाबू दम तोड़ देगा। आप रे, लगता है ये बाबा बड़ी तेजी से फैल रही है। चल बिरजू। Ha ha ha!
तुम यही रहो, मैं अभी आया। जी आप गए नहीं सदीपुर? माँ ने सुबह सुबह कुआं साफ कराने भेज दिया था, लौटा तो गाड़ी जा चुकी थी चरण को लाने। और वो चिट्ठी जो कुसुम के लिए दी थी मैंने? ये है मेरे पास, आपकी निजी चिट्ठी समझकर माँ से भी कुछ नहीं कहा मैंने। चरण के मोजे ले के वास्ते जब वापस घर गवा तो कुंज खड़ा रहा घर में, बहुत गुस्से में रहा। ये चूड़ीन के टुकड़े हमरे हाथ में दीन और कहीं माँ से कह देना कि कुसुम विधवा हो गई, और छोटे बाबू से कह देना वो मर गए हमरे लिए, न कबहू थे न हैं और न होएंगे। बाबा बाबा देखो कितने खिलौने दिए माने। माँ को नहीं लाए साथ? अपने थोड़ी कहा था लाने को, मैं कहता तो तू ले आता। हाँ खींच कर ले आता। काश तू ही जबरदस्ती ले आता उसे। मैं जाकर ले आऊं क्या? नहीं बेटा अब वो नहीं आएगी, अब कभी नहीं आएगी, जा खेल। अब कहाँ जा रहा है? डेरा जा रहा हूँ माँ, जनकपुर भी जाना है, लौटते शायद रात हो जाए। मैं कल शहर जा रही हूँ, मोहन बाबू की चिट्ठी आ गई है, मैं खुद जाकर सब बात पक्की कराऊंगी। माँ तुम्हें जो दुख पहुंचा मैं जानता हूँ, लेकिन कुसुम अब इस घर में नहीं आएगी बिंदा। मैंने तो कोई जिद नहीं की माँ, तुम जो कर रही हो। मैं चरण को ले जाऊं? चरण जाएगा? देखती हूँ अगर चले। जब से गांव में बब्बा फैली है मुझे डर सा लग रहा है बच्चे के लिए। देख लो तुम तो जानती हो वो मेरे बगैर एक दिन भी नहीं रहता। मुझे तो भूल के भी ख्याल नहीं आ सकता था कि ये वही वृंदावन है जिसके लिए तू जीवन त्याग करके बैठी है। और तूने भी तो कुछ नहीं कहा, एक बात कह देती तो शायद मैं ही कुछ बात कर लेती उससे। यूं सोचे समझे बगैर यहाँ दवाखाना खोलने तो न कहती उससे। पता नहीं लोग कितनी बातें करते होंगे जो मेरे कानों तक आने लगी। पर एक बात बता कुसुम, वो अगर तुझे नहीं ले गया तो क्या करेगी तू? कैसे काटेगी सारी जिंदगी? क्यों विधवाएं नहीं काट लेती अपनी जिंदगी? नहीं भगवान, उन्हें लंबी उम्र देना। ओ माजी रे, ओ माजी रे, अपना किनारा नदिया की धारा है। ओ माजी रे, अपना किनारा नदिया की धारा है। ओ माजी रे, you
भी सुना तो होगा कहीं। के हंस रही है मुई, कोई देखेगा तो क्या कहेगा? सवाल तो क्या करूँ, रोऊं? और नहीं तो क्या, दुल्हने रोया करती हैं, ऐवे ही रोया करती हैं, बिना कारण। क्यों, माँ बाप को छोड़कर जाने का दुख नहीं होता उन्हें? तुझे दुख नहीं है हमें छोड़कर जाने का? और बिरजू से मिलने की खुशी नहीं होगी? अब तो नाम मत ले मुई, ब्याह हो रहा तेरा। तो क्या हुआ, वो कोई सुन थोड़ी रहा है? और किसी दिन सुन लिया तो सुन ले, मैं तो उसे नाम से बुलाया करूंगी। तेरे सास ससुर है ना, टुकड़े कर देंगे। मैं उनके सामने थोड़ा ही बुरा गाऊंगी, जब अकेले में होंगी ना तब बुलाऊंगी। बिरजू बिरजू। इसने कुछ खाया बेटे? थोड़ा सा मुंह लगाया है माँ, कुछ खाती नहीं, ऐसे ही गुमसुम होके बैठी है। होगी नहीं, घर छोड़ते हुए कौन सी लड़की है जिसे दुख नहीं होता? वो तो है माँ। पहुंच भी गई बारह? जी हाँ, बारह बैलगाड़ियां भर के आई है। झूला देखेगी? चल छत पे चले, चल चलना। ए कुसुम,
बिरजू के डॉक्टर बाबू भी आए बादल गांव से। चल बारात देखें। तो जा मैं आती हूँ। भैया मन्नू के यहाँ से कब चले आए? अभी आया, शरीर बहुत कमजोर लग रहा था इसलिए चला आया। बुखार तो नहीं है? अदरक की चाय बना दे जरा, सुबह तक ठीक हो जाएगा। अच्छा। अनाज लो मुट्ठी में और पीछे आंगन में फेंक दो, माँ झोली लिए खड़ी है। तुम्हें मालूम है क्या करना है? तुम अपनी सहेली से कहो कि तुम्हारे साथ साथ कहती जाए। जिस आंगन में खेली थी, जिस आंगन में पली थी, वो तेरा था बाबू, मेरा नहीं। जो खाया था इस घर से वो लौटा के जा रहे हैं। इस घर का अब कोई कर्जा मेरे साथ नहीं, माँ बाबा भाई बहन का कोई अधिकार नहीं मुझ पर। इस आंगन से अब कोई न बुलाना मुझे। इस घर के लिए मैं आज से पराई हो गई। सारी रात आपके लिए पारते रहे डॉक्टर बाबू, आप थे नहीं, चंद्रपुर गए थे। सवेरे से आपकी राह देख रहे थे, बार बार काली आपको पूछती थी, बार बार चरण का नाम लेती थी। जब उसने प्राण छोड़े तब भी यही कहती रही कि मेरे डॉक्टर बाबू आ जाए तो मैं अच्छी हो जाऊंगी। ये सब मेरे लिए हुआ है ना डॉक्टर बाबू? अगर कल आप मेरी शादी में नहीं आए तो शायद काली बच जाती। नहीं रे पगले, तू भी तो जान पर खेल रहा। कल तेरी शादी हुई है राज, मेरे साथ फंसा हुआ इस महामारी में। भगवान न करे अगर तुझे कुछ हो गया तो मैं अपने आप को जिंदगी भर माफ नहीं कर सकूंगा। मेरी फिक्र मत कीजिए डॉक्टर बाबू, मुझे कुछ नहीं होगा। जब तक आप लड़ रहे हैं मैं भी आपके साथ। कल सुबह मन्नू को सदीपुर छोड़ूंगा, फिर दिन रात आपके साथ ही मेहनत करूंगा। चल बेटे। क्या हुआ चरण को? ये कुछ नहीं,
सो गया अभी आपकी राह देखते देखते। ओ, मैं तो डर ही गया था। कुछ खाया कि नहीं इसने? खाया तो, लेकिन बहुत मुश्किल से खिलाया। काली के लिए जिद करता था। बहुत घबरा गया अकेले रहते रहते। जी हाँ, बेचारे का घर से निकलना भी तो बंद हो गया, क्या करे। तारी आई थी? आई थी, आपके लिए खाना बना गई है। चरण के लिए रुकना चाहती थी, लेकिन मैंने उसे वापस भेज दिया। वो क्या है डॉक्टर बाबू, छूत की बीमारी है ना, बच्चे के लिए डर लगता है। मैं तो कहता हूँ आप इसे गांव से कहीं बाहर भेज दो। कहाँ भेज दूँ? मुझे छोड़कर कहीं रहता भी तो नहीं है, माँ के साथ नहीं किया और कहाँ जाएगा। ऐसा कीजिए, आप इसे लेकर शहर चले जाइए। मैं अपने बेटे के लिए सारे गांव को छोड़ जाऊं मरने के लिए? एक एक सांस के लिए कैसे लड़ रहा हूं आप देख तो रहे हैं। एक एक आदमी को मौत जब मेरे सामने से, मेरे हाथों से छीन कर ले जाती है, तो ऐसा निहत्ता, ऐसा बेबस महसूस करता हूं कि। डॉक्टर बाबू, डॉक्टर बाबू, डॉक्टर बाबू, वो तारी है ना, काली की माँ, वो भी गई। चलिए ना, जल्दी चलिए। अब खाना खा लो, तारी ने अपने हाथ से बनाया है। तारी, चरण बेटे, बाबा बाबा, आज मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। नहीं बेटे, आज हमें बहुत काम है, आज तुम मुनिम चाचा के साथ खेलो। इतने बूढ़े के साथ थोड़ी खेला जाता है। चुप बाजी कहीं का। नहीं तो फिर मैं माँ के पास चला जाऊंगा। तेरी काली माँ यहाँ नहीं है बेटे, वो कहीं चली गई। और वो दूसरी वाली? दूसरी कौन? वो जो पहले लड्डू देती फिर पानी नहीं देती, कुसुम। तो उसके पास जाएगा। डॉक्टर बाबू, कुछ दिनों के लिए वहीं छोड़ रहा हूँ चरण को, वहां ये रह भी गया था एक बार। आधा गांव जो ही खाली हो गया है, जो बाकी है वो या तो मर रहे हैं या गांव छोड़ के जा रहे हैं। कैसे बाप हो तुम, तुम्हें अपने बच्चे के लिए जरा भी डर नहीं लगता? सुबह से वो खांस रहा है, दो गोलियां खिला के समझते हो कि हो गया बस। कितने लोगों को बचा सके हो तुम अपनी दवा से। मैं भी यहां से जा रहा हूं अपने परिवार के साथ। तुम अगर चरण को लेकर न गए तो मैं जबरदस्ती उसे अपने साथ ले जाऊंगा। आपको जाना है तो चले जाइए, चरण यहीं रहेगा। चाहते हुए बाहर का दरवाजा बंद करते जाइए। मुझे भी साथ ले जाओ, मैं भी साथ चलूंगी।
चरण, डॉक्टर बाबू दीवान जी तो चले गए। कुसुम, चरण यहाँ आया था? यही है, दीवान जी छोड़ गए थे। उफ, परेशान कर दिया इस लड़के ने। पानी पी गए? कुंज भैया कहाँ? अंदर कमरे में है। चरण की तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, लेकिन बहुत थका थका सा लग रहा था जब आया था। खाना भी नहीं खाया, बस एक ग्लास दूध पीकर सो गया। जरा जगा दो उसे, मुझे वापस जाना है। ठीक है, मैं उसे ऐसे ले जाता हूँ। कहाँ है? कमरे में। चलो, इस बीमारी में उसे वहाँ क्यों ले जा रहे हो? यही रहने दो ना। नहीं कुसुम, मेरा जाना जरूरी है और चरण मेरे बगैर रह नहीं सकता। पहले भी तो रह गया था मेरे पास। पहले भी तो इसी तरह रोक लिया था तुमने, और जानते हो क्या हुआ था? जानती हूँ, इस बार वो भूल नहीं करूंगी। मैं साथ चलने को नहीं कहूंगी। मैंने साथ ले जाने से इनकार तो नहीं किया था, भूल सिर्फ इतनी हुई थी कि खुद नहीं आ सका। और जवाब में जो चूड़ियों के टुकड़े भेजे थे तुमने। मैंने भेजे थे? कुंज भैया ने सही, लेकिन उसका क्या असर हुआ माँ पर जानती हूँ? जानती हूँ, और मुझ पर जो बीते हैं वो तुम नहीं जानते। कुसुम, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं कि मैं क्यों नहीं आ सका? गांव की जो हालत थी वो मैं वो भी जानती हूँ। फिर भी मुझसे शिकायत है तुम्हें? मैंने कब शिकायत की? फिर क्यों ना चली आई? किसके पास जाती है? स्वीकार अस्वीकार करने वाली तो माँ है, और माँ के शहर जाने की खबर मुझे मिल गई थी, इसलिए रुके। माँ की इच्छा में बाधा नहीं डालना चाहती। जब से महामारी फैली है बादल गांव में, तुम्हारी चिंता लगी हुई थी, लेकिन क्या करती। कल ही मन्नू को कहलवाया था, आज आते हुए कम से कम चरण को साथ में ले आए। मन्नू की खबर नहीं मिली तुम्हें? मन्नू की? क्या हुआ उसे? मन्नू विधवा हो गई। नहीं नहीं कुसुम, कुछ भी, कब से बीमार हैं? कुछ 6-7 रोज से। अरे आपको तेज बुखार है, चलिए आराम करिए, चलिए अंदर। मुझे घर से निकालना है तो बाद में निकाल लेना, पहले अपना इलाज तो करवा लीजिए। आइए। दवा के लिए कुसुम, कुछ ये पुड़िया ले आई थी लेकर से। बहुत समझदार हो गई है कुसुम। भगवान का शुक्र है, वो नहीं जिसका मुझे डर था। इंजेक्शन दे देता हूँ। ये ताला क्यों लगाया कुसुम? मुझे जाना होगा, बाहर गाड़ी वन मेरा इंतजार कर रहा है।
गाड़ी मैंने वापस भेज दी है। इस महामारी में मैं वहां नहीं जाने दूंगी आपको। तुम हमेशा जिद कर लेती हो और मैं मान जाता हूं, इस बार ये भूल नहीं करूंगा। मैं चरण को छूकर कहती हूँ, अपने किसी स्वार्थ के लिए नहीं रोक रही हूँ आपको, लेकिन इस महामारी में कैसे जाने दूं तुम्हें? वहां घर में कोई भी तो नहीं जो ख्याल रख सके। मां शहर से आ जाए तो एक पल के लिए भी नहीं रोकूंगी। दोनों चले जाना, पाप पड़े मुझ पर जो एक बार भी कुछ कहूं। उठो, पहले कुंज भैया के लिए पानी गर्म करता हूं। जिद मत करो कुसुम, बताओ कहां रखा है बक्सा? पहले वचन दो रात बादल गांव में नहीं रुकोगे। अब चरण को तो छोड़ के जा रहा हूं, और क्या चाहती हो? रात को चरण के पास आ जाना, चाहे जितनी भी देर से आओ। मैं वचन देती हूं काम पर जाने से नहीं रुकूंगी। ठीक है, अब बताओ बक्सा कहां है? पहले सौगंध खाओ, चरण की सौगंध है। तुम्हारी सौगंध खाता हूं, तुम्हारी सौगंध, मैं लौट आऊंगा। दूसरी रूई तैयार कर लो बिरजू। ये क्या हो गया मुझे? अरे अरे, ये क्या कर रही है? इतना हैरान क्यों हो रहे हो? क्या किया मैंने? जूते क्यों उठाए तुमने? तो क्या यही चमड़ा पहन के बैठोगे खाने के लिए? लेकिन हाथ उठाने की क्या जरूरत थी? लो हाथ धुला दो, मैले हो गए। इसीलिए तो कह रहा था, मैं खुद ही उठा लेता। नौकरानी तो नहीं हो आपकी, लेकिन इतना काम तो कोई भी घर आए मेहमान का कर देता है। बाबा, मैं भी खाऊंगा तुम्हारे साथ। तूने अभी तक खाया नहीं? अरे तू तो कह रहा था मेरे साथ खाएगा। तुम्हारे साथ भी खा लूंगा। चल ले। भैया को दवा देकर आती हूँ। कुछ खाया कि नहीं कुछ भैया ने? खिचड़ी खिलाई थी। बाबा मैंने खिचड़ी भी खाई थी। साले बड़ा पेटू है तू। बाबा तुम गाली दे रहे हो। सॉरी बेटे सॉरी, गलती हो गई, मैं तुम्हें गाली नहीं दे रहा था। तो फिर किसे दे रहे थे? वो कुंज भैया है ना, उसे दे रहा था। कुंज भैया कोई क्या साले? चुप करके खाना खा।
इन गोलियों से आराम तो काफी पहुंचा है। अच्छा डॉक्टर है वृंदावन। ये पीस के नहीं खा सकते? चबा भी नहीं सकते ना? नहीं नहीं, एक बार पूछ लो बाहर। ऐसे खाने के लिए कहा है। अच्छा गई। ठीक है ठीक है। नहीं थोड़ा सा और नीचे। बाबा माँ को बता दूँ? क्या जो तुम गाली दे रहे थे? चुप है, मैंने कब गाली दी? तुमने मामा को सलाम नहीं किया था? बहुत बाजी है ससुरा। बाबा फिर तुम गाली दी, मैं नहीं खाता तुम्हारे साथ। मत खा, कद अंगूठे भर का और जुबान हाथ भर लंबी। बाबा का जूता क्यों खाती? मत खा उनके थाली में। बाबा चुप करना, चिल्लाता क्यों है? बाबा सुन लेते तो। फिर तुम उनकी थाली में क्यों खाती हो? मेरी मर्जी, तो क्या मेरे ससुरा लगते हैं? अरे तुम भी गाली देती हो, मैं तुम्हारे साथ भी नहीं खाता। ये क्या कर रहे? पानी भेजा है माँ ने। अच्छा बड़े काम करता है माँ के? हमारी आपस की बात है, वो भी तो मेरे बहुत काम करती है। अच्छा नमस्ते दीदी। नमस्ते। सुनो बाहर कोनो चीज नहीं खाए कदी है? नहीं दीदी। तुम जरा ख्याल रखियो, पानी नहीं पिए कदी है। शाम को जल्दी आओगे? चरण का जी घबराने लगता है। जल्दी लौटूंगा। बाबा चले गए? क्या है दिखाओ। चिट्ठी है, बाबा ने कहा था मैं चला जाऊं तो माँ को दे देना। क्या लिखा है बाबा ने? कुछ नहीं, तुम जाओ। कुछ पैसे मैं तुम्हारे लिए छोड़ के जा रहा हूँ, तुम बहुत अभिमान वाली हो, बुरा न मानना। कुंज भैया भी बीमार हैं, तुम्हें पैसों की जरूरत होगी, स्वीकार कर लेना। बिरजू घर से इंजेक्शन और ले लेना। बिरजू अब कुसुम जा रही है, कुछ खाएगी नहीं? मेरा तो व्रत है आज मौसीमा। आज? ओ करवा चौथ का व्रत रखा, अभी वृंदावन नहीं है? हाँ। कुंज कैसा है? पहले से अच्छे हैं भैया। वृंदावन बादल गांव नहीं जाता? जाते हैं, सारा दिन वहीं रहते हैं दवाखाने में, बस रात को लौट आते हैं क्योंकि चरण उनके बगैर नहीं रहता है। तेरे पास भी नहीं रहता चरण? रह तो जाता है लेकिन मैंने ही चरण से जिद करवाई थी और उन्हें अपने यहाँ रोक लिया था। मेरा मन नहीं मानता था वो इस बीमारी में वहां जाकर ठहरे। अच्छा किया, और क्या पता जाते हुए तुझे भी साथ ले जाए। वो तो अब नहीं होगा,
मैं जानती हूँ। क्यों? बड़ी माँ शहर गई हैं उनका रिश्ता पक्का करने। तुझे किसने बताया? मुनीम जी ने, जो चरण को छोड़ने मेरे यहाँ आए थे। फिर भी तूने रोक लिया उसे? दान में यही कुछ देने मिले हैं उनके पास रहने के लिए, वो भी मेरे तो नहीं, लेकिन शायद फिर कुछ नहीं मिले जिंदगी में। चले गए थे आप? मैं शहर चला गया था, माँ ने वापस भेज दिया है शादी की तैयारी के लिए। माँ कल आ रही है लड़की वालों के साथ। पूजा कर रही थी? करवा चौथ का व्रत रखा था मैंने। थाली दो बेटे। ये थाली थोड़ी, ये तो नगार है, दूसरी थाली में दो। आइए कुंज भैया, आज बहुत ताजा ताजा लग रहे हैं, दाढ़ी बड़ी की इसलिए। दाढ़ी से थोड़ी भाई साहब, आपकी दवा खाने से ताजा लग रहा हूँ। आज दवा ली थी? अब काहे की दवा, कल से तो मैं फेरी पे भी जा रहा हूँ। आप फेरी वेरी पर नहीं जा रहे, चार पांच रोज आराम करिए, दवा जारी रखिए, कहीं बुखार फिर हो गया तो। अच्छा थाली दो। कहाँ ना, दूसरी थाली में दो। कहाँ से आएगी दूसरी थाली, चलो इसी थाली में खाओ, दो। हर वक्त डांटते हो, मैं नहीं खाता तुम्हारे साथ। अरे ऐसे नाराज कर दे बच्चे को, मैं लेकर आती हूँ। कुसुम के लाड ने सर चढ़ा दिया इसे, कल घर जाएगा, माँ को तंग करेगा। कल घर जाएगा मतलब? कल जा रहे हैं आप? हाँ, माँ कल आ रही हैं, इसलिए जाना होगा। कुसुम को मालूम है? नहीं, अभी नहीं बताया, सोचा खाने के बाद बताऊंगा। जाएगा सुबह आपके साथ, उसे भी तैयार करा दूंगी। Oh, so pretty.
कुसुम, जी चाहता है एक बार फिर तुम्हें साथ चलने के लिए कहूं, लेकिन कहते हुए डर लगता है। पता नहीं क्या कमी है मुझमें जो हर बार किसी न किसी वजह से तुमने ना कर दी। वो क्या कमी है मुझमें तुम बता सकती हो? हाँ, अधिकार की कमी है आपने। जिस अधिकार से मैं रोक लेती हूँ आपको, जिस अधिकार से चरण को रख लेते हैं यहाँ, वो अधिकार आप में नहीं है। वरना वरना ना कहने वाली मैं कौन होती हूँ? क्यों नहीं उसी अधिकार से मेरा हाथ पकड़ कर ले गए मुझे? क्यों मेरी जिद सुनते हो? क्यों मेरी हट मानते हो? अपने अधिकार से क्यों नहीं चूर कर देते मेरा अहंकार? माँ, माँ ऐसे नहीं जाएगी। ये बालों में डालो तो जाएगी। बाबा डाल दो ना।
बार मुड़ के मत देख बहन, जा इस आंगन को पराया कर दे, जा बहन अब अपने पति के साथ चली जा। जिस आंगन में खेली गई, जिस आंगन में पली थी, वो तेरा था बाबू, मेरा नहीं। जो खाया था इस घर से वो लौटा के जा रही हूँ। इस घर का कोई कर्जा मेरे साथ नहीं, इस घर के लिए मैं आज से पराई हो गई।